राजस्थान के राजसमंद जिले का ऐसा गांव उसरवा जो कि आज की दुनिया के लिए एक उदाहरण है। करीबन 9 साल पहले गांव वालों ने मिलकर अपने ही गांव में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया। आज की दुनिया में ये गांव आधुनिक समाज के लिए एक मिसाल है। आइए जानते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से कि किस तरह गाँव वालों ने मिलकर अपने बलबूते पर शराब की दुकानें बंद करवाई। आपके गाँव में शराब की दुकान क्यों बंद करवाई गई? शराब की दुकान ये जो लोग दारू बहुत पीते थे, गाली गुलज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो महिला आती है तो उनको उनके साथ में गाली करते हैं, इसलिए सब गांव वाले मिलके और दुकान बंद करा दी। हमारे गांव में 9 साल से इतना प्रभाव पड़ा कि पहले तो एक शांत एरिया हो गया। पहले बहुत दारू वाले आते थे, हम लोग बाग घर के बाहर बैठते थे तो भी परेशानी, लोग गाली गुलज करते आते थे, बाहर बैठने वालों को गाली देते, आपस में वो झगड़ जाते हैं, तो झगड़ने से पहले वो झगड़ा होते हैं, फिर पुलिस केस होता है, ऐसे सब गाँव वाले परेशान हो गए, बोले ऐसा क्या करें इसका यार, फिर मिलके उन्होंने दुकान बंद करा दी। हमने निर्णय के अनुसार एक लिखा पढ़ी की कि आज के बाद उसरवास गांव का कोई भी आदमी दारू की दुकान नहीं चलाएगा। जो भी आदमी अगर दारू की दुकान चलाए उसके लिए 11,000 रुपया एक धार्मिक प्रयोजनार्थ के लगाएगा और 11,000 रुपये उसे गांव वसूल करेगा। गांव की महिलाओं पे तो बहुत बड़ा, महिलाएं आज हमारे को गांव वालों को ये कहती हैं कि आपने दारू की दुकान बंद करवाई, इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ, गांव का वातावरण सुधरा है। महिलाओं को आए दिन घर में होने वाले झगड़े बंद हो गए, लोगों की आर्थिक आमदनी में सुधार आया, क्योंकि यहाँ पे अगर दारू की दुकान होती तो उसका आदमी जाके फट से दारू पी लेता, यहाँ दुकान नहीं होने से वो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो दारू पीने में थोड़ा सुधार आया। महिलाओं में ये चीज़ की अच्छाई हुई, महिलाएं आज गांव के लोगों को धन्यवाद दे रही हैं कि आपने अच्छा किया कि गांव में दारू की दुकान ही बंद करा दी। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि शराब पीने के कारण कई परिवारों की महिलाओं के साथ में हिंसा व मारपीट होती है। शायद अगर हम लोग भी इस गांव की तरह एकजुट होकर अपने गांव में शराब बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाए तो शायद महिलाओं के साथ में होने वाली हिंसा कुछ हद तक अंकुश लगेगा। मैं शंभुलाल, राजस्थान के राजसमंद जिले के उसरवास गांव से, इंडिया अनहट के लिए।